एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, से लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ। व्हाट्सएप गाइस कैसे हो सभी लोग, आ गए होंगे एक और न्यू वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स अभी जो आपने प्रीव्यू में स्टेटस देखा, आपको इस टाइप का स्टेटस क्रिएट करने के लिए काइंड मास्टर को डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों काइंड मास्टर को डाउनलोड कर लेने के बाद उसे ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को यदि स्टेटस पसंद आया हो तो अपने प्यारे हाथों से एक लाइक और प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए। और आप अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम बिलोंग कर रहे हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको सबसे पहले क्रिएट न्यू पे टैप करना है, उसके बाद 16:9 रेशियो को सिलेक्ट करके क्रिएट पे टैप कर देना है। उसके बाद आपको चले आना है, इमेज एसेट पे आना है और वाइट कलर का इमेज सेलेक्ट करके इसकी ड्यूरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देना है। उसके बाद लेयर पे टैप करना और सबसे पहले आइडियो पे टैप करना। उसके बाद फोल्डर पे जाना, आपका जहाँ पे भी सॉन्ग हो आप लोग उसे लगा लेना। ओके तो फ्रेंड्स आप लोग अपना सॉन्ग लगा लेना, या तो जो मैं लगा रहा हूँ आप लोग उसे भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं ये वाला सॉन्ग ऐड कर लिया हूँ। उसके बाद आपको इस पर टैप करना है और फिर से दोबारा से टैप करना है। बैक हो जाएंगे, लेयर पे जाना है, टेक्स्ट पे जाना है, आपको फर्स्ट लिरिक्स का लाइन को लिख देना है। हम लोग फर्स्ट लिरिक्स का लाइन को यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद थोड़ा सा बैक आना है यहाँ पे, जब आ जाएंगे उसके बाद कलर पे जाना है, ब्लैक कलर सेलेक्ट करके बैक आना है। बैक आने के बाद इसकी ड्यूरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज करना है और इसे मिडिल पे ऐसे जहाँ पे रेड लाइन दिखे वहाँ पे आपको इसे सेट कर देना है। जहाँ पे भी रेड लाइन आपको दिखे वहाँ पे ऐसे दोनों तरफ से रेड लाइन दिखेगा तब वहाँ पे सेट कर देना। उसके बाद डबल ए पर टैप करना, आपको जो भी फॉन्ट अच्छा लगे वो लगा लेना। मैं फिलहाल ये वाला लगा लेना है, विद द ब्यूटी वाला। तो ओके तो आपको इस फॉन्ट को ऐड करने के बाद इसकी ड्यूरेशन को थोड़ा सा और इंक्रीज करना है, थोड़ा सा और बढ़ा देना। उसके बाद इन एनिमेशन पे जाना, नीचे चले आना, रबर स्टैम्प को सेलेक्ट करके 0.5 कर देना। 0.5 करने के बाद बैक आना, आउट एनिमेशन पे जाना, थोड़ा सा और नीचे आना। उसके बाद डाइवर्स का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे डाइवर्स करके 0.5 कर देना। अगर 0.5 करने के बाद बैक आ जाना, बैक आने के बाद लिरिक्स की लाइन को सुन लेना। लिरिक्स की लाइन को सुनने के बाद जहाँ पे भी वो लिरिक्स ख़त्म हो रहा वहाँ से आपको इसे ट्रिम एवं स्प्लिट पे जाना है, स्प्लिट कर देना। उसके बाद नेक्स्ट लिरिक्स पे भी जाना, ऐसे ट्रिम एंड स्प्लिट पे जाना, स्प्लिट कर देना। फिर से नेक्स्ट बीट पे जाना और ट्रिम एंड स्प्लिट पे जाके स्प्लिट कर देना। फिर से नेक्स्ट बीट पे जाना और ट्रिम एंड स्प्लिट पे जाके स्प्लिट कर देना। बैक आना, उसके बाद यहाँ पे हमें अब इफेक्ट को ऐड करना है। तो फ्रेंड्स लेयर पे टैप करना, उसके बाद इफेक्ट पे जाना। इफेक्ट के जाने के बाद आपके पास बेसिक इफेक्ट होगा, वह बेसिक इफेक्ट को सेलेक्ट करके गॉसियन ब्लर वाला सेलेक्ट कर लेना और इसे ऐसे थोड़ा साइड में रख के फुल कर लेना। ऐसे फुल कर लेने के बाद आपको यहाँ पे आना, यहाँ थोड़ा सा आगे, इतना सा आगे आके थोड़ा बैक आना। उसके बाद बैक आने के बाद ट्रिम एंड स्प्लिट पे जाना और इसे ट्रिम टू राइट कर देना। ट्रिम टू राइट करने के बाद थोड़ा सा बैक आना और उसके बाद सेटिंग पे चले जाना, ब्लर स्ट्रिंग 7 या 8 पे रख लेना। मैं 7 पे रख रहा हूँ। अगर 7 पे रखने के बाद आप लोग थोड़ा सा आगे आना। अब एक चीज़ छूट गया है, आपको इस लिरिक्स लाइन पे टैप करना, उसके बाद थोड़ा नीचे जाना, यहाँ पे शैडो का ऑप्शन मिलेगा, शैडो इनेबल कर देना। इनेबल करने के बाद बैक आ जाना, नेक्स्ट वाली लाइन पे जाना, उसके बाद इसमें भी शैडो लगा देना। आपको शैडो को ऑन कर देना, ऑन करने के बाद नेक्स्ट लिरिक्स की लाइन पे आना, इस पर भी शैडो ऑन कर देना। जितनी भी लाइन बनाए हैं आप लोग उन सभी पे शैडो को ऑन कर देना। उसके बाद यहाँ पे आ जाना, थोड़ा ऐसे आगे आना, इतना पे आ जाना। उसके बाद लेयर पे टैप करना, दूसरा इफेक्ट है
मोशन ब्लर नाम से इसे सेलेक्ट कर देना। मोशन ब्लर को सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा आगे आना, बैक आना, उसके बाद ट्रिम एंड स्प्लिट पे जाना, ट्रिम टू राइट कर देना, उसके बाद थोड़ा सा फिर से बैक आना, सेटिंग पे जाना, नीचे एंजल है 360 पूरा कर देना, उसके बाद इसे 7 या 8, मैं 9 कर दे रहा हूँ, 9 कर देना आप लोग भी। ओके तो इतना हो जाने के बाद आप लोग अभी बहुत ही शानदार बन गया। उसके बाद थोड़ा सा अभी और बाकी है, आप लोग क्या करना, यहाँ पे ऐसे इतना सा यहाँ पे आ जाना, लेयर पे जाना, नीचे हैंड राइटिंग पे जाना, और यहाँ पे ये ब्रश वाला से सेलेक्ट करके दूसरा वाला ब्रश ले लेना, और यहाँ पे नीचे बॉल वाला आइकन दिख रहा है इस पर टैप करना, उसके बाद सबसे बड़ा वाला बॉल सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पे आगे आना, यहाँ पे आ जाना, उसके बाद इस पर फिर से टैप करना, फिर से टैप करने के बाद यहाँ पे कलर पे जाना, जो भी कलर आपको अच्छा लगे वहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करके ऐसा लाइन बना लेना, दूसरा कलर सेलेक्ट करना, दूसरा कलर सेलेक्ट करने के बाद उसे भी ऐसा लाइन बना लेना, बनाने के बाद बैक आना, बैक आने के बाद यहाँ पे इतना सा आगे आ जाना, यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे लिरिक्स का लाइन ख़त्म हो रहा है, उसके बाद ट्रिम एंड स्प्लिट पे जाके ट्रिम टू राइट कर देना, उसके बाद फिर से हैंड राइटिंग पे टैप करना, उसके बाद क्या करना आपको ब्लेंडिंग पे जाना, अभी ब्लेंडिंग पे जाना है, मल्टीप्लाई का स्क्रीन कर देना, स्क्रीन करने के बाद यहाँ पे बगल में चाबी वाला आइकन दिख रहा है, आपको इस चाबी वाले आइकन पे टैप करना है, लास्ट में आ जाना है, प्लस वाला सेलेक्ट करके इसे थोड़ा ऐसे रख देना है, ऐसे रख देना, ये अभी बन गया बहुत ही शानदार। अभी आपको क्या करना है, ये जो नेक्स्ट लिरिक्स है यहाँ पे जाना, नेक्स्ट लिरिक्स सुन के आपको वहाँ पे इसे कट करके दूसरा लिरिक्स का लाइन लिख देना, दूसरा लिरिक्स का लाइन लिखने के बाद ओके पे टैप कर देना, उसके बाद आपको ये फर्स्ट वाला इफेक्ट जो है इसे डुप्लीकेट करना, डुप्लीकेट करने के बाद जहाँ से आगे वाले नेक्स्ट वाले लेयर पे ले जाके इसे लगा देना, और नेक्स्ट लेयर पे ले जाके ऐसे रख देना है। ओके तो यहाँ पे ऐसे ऐसे रख देना, यहाँ पे रखने के बाद आपको दूसरा इफेक्ट को डुप्लीकेट करना, डुप्लीकेट करने के बाद आपको ऐसे टैप करके इसे भी आगे नेक्स्ट लेयर की लास्ट लाइन पे सेलेक्ट कर देना, ऐसे यहाँ पे सेलेक्ट कर देना, सेलेक्ट करने के बाद आपको हैंड राइटिंग पे भी जाना, हैंड राइटिंग को डुप्लीकेट करके इसे नेक्स्ट लेयर पे ऐसे लगा देना है, नेक्स्ट लेयर पे ऐसे जा के इसे ऐसे लगा देना, ये लगा दिया। तो ये अभी हमारा बन चुका वीडियो, आप देखो प्ले कर, मैंने जो वीडियो बनाया आपको वो वाला प्ले करके दिखा देता हूँ, तो ओके फ्रेंड्स हम लोगों ने ये वाला वीडियो बनाया था, देखो आपको प्ले करके मैं दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में अपना एक 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 प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, और चैनल पे नए फर्स्ट टाइम बिलोंग कर रहा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।